आपने जो कहा कि यहाँ आप आए और एक ईयर्स में ही आपने फिल्म में काम करना चालू किया, तो आपको कोई फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट था या और जब पहले फिल्म आप करने लगे तो कितने चैलेंज आपके पास आए और थोड़ा देखिए, जब मैं आया तो एक साल के अंदर ही मैंने काम शुरू कर दिया था, तो मेरे को इंडस्ट्री के लोगों की वजह से ही काम मिला था, तो आपको कहीं ना कहीं से रास्ता तो बनाना ही पड़ता है, सपोर्ट होता है तभी आप सर्वाइव करते हैं। क्योंकि सपोर्ट से मतलब अगर आपका ये कि मैं पहले से किसी को जानता था या किसी ने मदद की या कोई रिलेटिव था, ऐसा कुछ बोल रहे हैं या कोई? हाँ वही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैं अपने खानदान से पहले ही आदमी आया हूँ यहाँ तो ऐसा कोई नहीं था। बट जो चीज़ मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ वो मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ कि आप अच्छा लिखो और मिलो लोगों को, किसने किसी को तो समझ में आएगा। हर चीज़ का एक बायर तैयार है आपके, हर जॉनर का, आपकी स्क्रिप्ट है किसी भी तरीके की, आपको सिर्फ राइट आदमी के पास जाना है। जिस आदमी को एक गलती अक्सर ये हो जाती है कि हम किसी को कॉमेडी चाहिए उसको सस्पेंस बेचते हैं, किसी को चाहिए हॉरर आप उसको रोमांस बेच रहे हो, तो पहले स्टडी कर लो ये आदमी क्या बनाता है, उसको वो चीज लेके जाओ तो एक नहीं दो नहीं तीन में से कुछ ना कुछ तो पसंद आएगा। मैं इसका क्वेश्चन थोड़ा रिफ्लेक्ट करता हूं जी, लाइक आप किसी एक्सपीरियंस मतलब इनका करने की किसी फिल्म इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए या ऐसा मतलब है आपका? नहीं, मैं किसी मैंने बताया कि मैं किसी इंस्टीट्यूट से नहीं था, मैं 3 दिन लगे मुझे बॉम्बे पहुंचने में, मैंने गुड़गांव से अपनी कार में आया हूं क्योंकि यहाँ किसी को जानता नहीं था ना कोई वेट कर रहा था, तो कोई जल्दी नहीं थी आने की, तो आराम से ट्रैवल करके 3 दिन में आया मैं, पहली बार पहुंचा हूँ यहाँ पर, पारी रोड आया था मैं, और आने के बाद में उससे पहले मैंने कभी स्क्रीन प्ले भी नहीं पढ़ा था। तो पहला काम मैंने जो किया था वो घोस्ट राइटिंग होती है जिसमें आपका नाम नहीं आता, आप लिखते हो सब कुछ आप लिखते हो लेकिन नाम किसी और का होता है, तो वो घोस्ट राइटिंग की थी और उसके लिए मुझे 51,000 मिला था, ये मेरा 3 महीने के अंदर, तो मुझे लगे तो बहुत सही है, नाम का क्या करना है। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नाम ही सब कुछ है, तो बट तब तक मैंने स्क्रीन प्ले पढ़ा नहीं था, तो मेरे एक दोस्त को मैंने रिक्वेस्ट की तो उसने मुझे एक स्क्रीन प्ले सोर्स किया, उसको पढ़ के देखा ना ये तो बहुत आसान है किया जा सकता है, और इस तरीके से स्टार्ट किया। फिर जब ऐसे ही लोगों के लिए मैं घोस्ट राइटिंग और ये सब चीजें कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि जब इतना बढ़िया लिख रहे हो तो खुद क्यों नहीं करते हो, तो मैंने कहा मैं करने आया हूँ बट मैं जानता हूँ मैं कर लूंगा, लेकिन जिस आदमी को मेरे ऊपर पैसे डालने हैं भरोसा उसको होना चाहिए। तो वो सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक चीज लेके जाते हो, सामने वाला आप पे यकीन करता है कि आप कर पाओगे, उसको तो करना ही है, वो आपके साथ नहीं किसी और के साथ में करेगा, लेकिन वो आपके साथ में क्यों करे ये आपको डिसाइड करना है, और आपको अपने अंदर वो खूबियां पैदा करनी है ताकि वो आपके साथ में गैंबल खेले। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सर, सारी फिल्में जो बनाते हैं उनकी स्टोरी आप स्वयं लिखते हैं या नए राइटर्स को या किसी और के उसके आप बनाते? देखिए, लाहौर की स्टोरी मैंने बहुत पहले सोची थी, जो मेरी पहली फिल्म थी यहाँ आने के बाद में, लेकिन मैंने साथ में क्योंकि मुझे ये लगा कि सब कुछ खुद ही मत करो, तो स्टोरी स्क्रीन प्ले और डायलॉग वो मेरे थे उसके अंदर, मैं खुद ही लिखता हूँ, लेकिन मेरे साथ में कोई और भी था, वो एक एक्सपीरियंस राइटर थे जो इंडस्ट्री में अच्छा क्रेडिबल काम कर रहे थे, तो कॉन्ट्रीब्यूशन तो दूर रहा, वो भाग गए वो छोड़ के फिर, क्योंकि उनको लगा एक नया हीरो नई हीरोइन नया प्रोड्यूसर नया डायरेक्टर और नया बैनर ये तो फिल्म का कुछ होगा ही नहीं, तो उनका भरोसा टूट गया तो वो चले गए, तो अल्टीमेटली मेरी कहानी थी मेरा ही सब कुछ था तो वो रहा। ज़्यादातर मैं अपनी कहानियों पर ही काम करता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब मल्टीपल चीज़ें साथ में हो रही होती हैं तो आप दूसरे लोगों के साथ में भी शेयर कर लेते हैं कि जो जॉइंटली लिखने लगते हैं स्क्रीन प्ले या डायलॉग्स या कोई स्पेसिफिक है, हो सकता है वो फ्लेयर मेरे अंदर कॉमेडी का डायलॉग्स का नहीं, और कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं कि पंचेज बड़े कमाल होते हैं, इनको जिंदगी का तजुर्बा बड़ा अच्छा होता है, तो आप ऐसे बंदे को आज कर लेते हैं मेरे साथ में मैंने की डायलॉग्स लिख दिए हैं बट इसके अंदर पंच ले आओ या वो फ्लेयर ला के दे दो जो इसके हिसाब से हो, या अगर आप जैसे मैं चंदावामा कर रहा था तो स्क्रीन प्ले पर और बाकी चीज़ों का आकाश भी मेरे साथ में बैठे हुए थे, गोरखा वो पूरी तरीके से मतलब उसका स्टोरी स्क्रीन प्ले
डायलॉग्स मैंने लिखे, लेकिन बाद में डायलॉग्स लेवल पर एक और एक आदमी हेल्प करने के लिए मेरे साथ में आ गया था। तो वो होता है, लेकिन बेसिक आइडिया बिकॉज क्योंकि खुद का होता है वो आपका ज़्यादा बेहतर होता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे मेरी कहानियाँ बोलनी है, मैं उसके लिए आया हूँ। मैं सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट यहाँ से कहानी ली, इधर से करेक्शन डाला और आगे निकाल दिया, असेंबली सिस्टम में नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ अपनी कहानियों को बोलने के लिए, मुझे लगता है कि मुझे इन कहानियाँ बोलनी है, उसी वजह से मैं डायरेक्टर बना ताकि इफेक्टिवली अपनी चीज़ों को कह सकूँ। तो ये है सर, जब आपने अपनी फर्स्ट फिल्म डायरेक्ट की जी, उससे पहले आपने कहीं किसी को असिस्ट किया या सीधी डायरेक्ट की? नहीं, मैंने बताया ना आपको कि मैंने फिल्म की डायरेक्टिंग की पहली बार अपने सेट पर उसी दिन कैमरा देखा था जिस दिन मेरा पहला दिन था। तो सर क्या क्या मतलब टेक्निकलिटीज में क्या? अब ये बड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज ये इस बात का जवाब तो मैं मतलब देता सबको हूँ लेकिन कोई कन्विंस नहीं होता। समहाउ आई न्यू इट, कैसे मुझे नहीं पता, बिकॉज आपको एक आइडिया होता है। देखिए लेंस कौन सा लगना है ये टेक्निकल चीज है, आप क्या चाहते हो ये पता है आपको तो आप अचीव कर लोगे। प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, हर चीज की एक वजह होती है, मूवमेंट क्यों होनी चाहिए, और दो चीजें इसका वजह शायद ये भी है। एक तो मैं फिल्में बहुत देखता था तो आई वॉज वेल वर्स्ड विद द स्टोरी टेलिंग, दूसरी चीज मुझे कॉमिक्स बहुत पसंद थी, मैं कॉमिक्स बहुत पढ़ता था, और मैं मुझे एक ये भी चीज याद है कि फिल्म मेकर बनने से पहले मेरे दिमाग में ये था कि मैं कार्टूनिस्ट बनूंगा। तो अगर आप वो तो देखते हो ना शॉर्ट टेकिंग, वो कॉमिक्स में जो होता है ना वो परफेक्ट स्टोरी टेलिंग है, जिसके अंदर आपको ओवर द शोल्डर, क्लोजअप, टू शॉट्स, लॉन्ग शॉट, वाइड, टॉपिक, ये सब होते हैं उसके अंदर। तो उसकी वजह से भी आपको मालूम होता है कि अच्छा अगर ये लाइन है, ये सीन है, तो आपको कैसे बोलना है, इसकी क्या कटिंग होने वाली है। तो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। जैसे लाइटिंग की होती है कि लाइटिंग इतनी ज्यादा आएगी, इतनी कम आएगी, मॉनिटर होता है ना, देख के आपको पता चलता है। ये इसीलिए मैं ये बोलता हूँ, ये पता होना बहुत जरूरी है आपको करना क्या है, क्यों ये लाइट की, रेन की, स्नो की, ओपन, इंडोर, ये सारे टूल्स हैं आपके हर एक बात को कहने के लिए। अगर कोई एक सीन है तो आपको उसको कैसे बेहतर तरीके से कह दोगे, कॉन्फ्लिक्ट है उसको किस तरीके से आप अच्छा दिखा सकते हो, दो अलग अलग नजरिए से आप चीजों को देख सकते हो। अगर दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और एक सुपीरियर है और एक उससे इंफीरियर है तो आप ये कैसे दिखाओगे। अब ये चीज डायलॉग्स में तो बोली नहीं जा सकती, ये तो आपको मालूम ही है ना किरदार में कि अच्छा ये अच्छे जगह से आया, या फॉर एग्जांपल अगर कोई ये बोलता है कि एक आदमी राइज पर है और एक आदमी डिक्लाइन पर है, होता है ना जीवन में, फिल्म मेकर्स के साथ भी होता है, एक नीचे आ रहा है, आप लोग ऊपर जाओगे अभी, तो अगर ये बात आपको कहेंगे तो आप कैसे कहोगे, क्या ये एक सिंबॉलिक तरीका हो सकता है इसको कहने का कि से एक बिल्डिंग है उसका सीढ़ियां ऊपर जा रही है, तो एक आदमी नीचे आ रहा है, एक आदमी ऊपर जा रहा है, उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट भी आपका रिवील हो गया और उनकी स्थिति जो है वो भी दिखा सकते हो। तो इसको आर्ट फॉर्म की तरह ट्रीट करो। पेंटिंग में हम चित्र एक ही होता है लेकिन बहुत कुछ कहते हैं, फिल्म भी वही है, अपनी बात को इफेक्टिवली कहने के लिए इन सब चीजों का इस्तेमाल करना, जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा बोलने की कोशिश करो, और होता भी है, लोग बोलते भी हैं उस चीज को, तो अब उस नजरिए से फिल्मों को देखना शुरू करो।